मॉर्निंग स्टूडेंट देखिए सब इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड थर्ड का, इंग्लिश नहीं ईवीएस का शायद, सॉरी ईवीएस का थर्ड स्टैंडर्ड का, ठीक है ईवीएस। तो देखिए कल हमने किए थे आंसर द फॉलोइंग, आज करेंगे ट्रू फॉल्स। डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, टी आर यू ई ट्रू, और एफ ए एल एस ई फॉल्स, ठीक है ट्रू और फॉल्स, जो सही है उसको ट्रू और जो गलत है उसको फॉल्स लिखेंगे सेंटेंस में। तो द काउ लिव्स इन ए फॉरेस्ट, तो बताइए गाय जो है वो जंगल में रहती है, तो नो, तो इसलिए फॉल्स, एफ ए एल एस ई फॉल्स, ठीक है। सेकेंड, ए स्पाइडर हैज एट लेग, आपने स्पाइडर तो देखा होगा सबने घर पे रहते हैं ना, उसकी कितनी टांगे होती हैं, एट लेग्स होती है, तो ट्रू, ठीक है उसकी एट ही टांगे होती है। आगे ए फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो फ्रॉग जानते हैं ना सभी, मेंढक, मेंढक जो है देखो लैंड मतलब धरती में भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, तो इसलिए उसका राइट आएगा, ट्रू आएगा, टी आर यू ई ट्रू। सेंटेंस फोर, ए स्नेक कैन सी एट नाइट टू, स्नेक जानते हैं ना सांप, वो रात में देख सकता है सिर्फ, नो फॉल्स रॉन्ग। आगे फिफ्थ, ए वैट कैनॉट फ्लाई, वैट जानते हैं ना, वैट क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि सिर उड़ता नहीं है, तो रॉन्ग, उड़ता है वो, एफ ए एल आई सी फॉल्स। आगे सिक्स, ए डब्ल एल ऑल एनिमल्स ईच ग्रास टू लिव, तो सब जानवरों को क्या है खाने के लिए, मतलब जो है ग्रास खा के ही वो जिंदा रह सकते हैं, नहीं कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो मांस वगैरह भी खाते हैं, तो इसलिए इसका क्या आएगा, फॉल्स, एफ ए एल एस ई फॉल्स। आगे देखिए सेवन्थ, द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो है, कैमल को जो है दूसरा नाम क्या दिया गया है, शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे, राइट ये सेंटेंस सही। देयर आर हॉर्न्स ऑन द हेड ऑफ ए गोट, गोट जानते हैं ना सभी, बकरी, बकरी के सर के ऊपर क्या होते हैं हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सींग, ठीक है तो राइट आएगा ट्रू, तो इसलिए इसको वन टाइम क्लास वर्क एंड वन टाइम होमवर्क कंप्लीट कर लेना अच्छी राइटिंग।